हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम राकेश राजभर है। आज मैं पहली बार आपके सामने कुछ नया वीडियो लाया हूँ। गल्फ जॉब से रिलेटिव जो इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, मान लो ऑल ट्रेड के लोग जो इधर उधर जिनका सपना होता है कि दुबई, ओमान, कतर, कुवैत जाके जॉब वगैरह करें, पैसे कमाएं, तो उनके लिए मैं आज एक वीडियो लाया हूँ दोस्तों। मैं खुद मेरा सिलेक्शन हुआ है अल मोनाद इलेक्ट्रो मैकेनिकल दुबई का, जिसमें मैंने 16 जुलाई 2023 को इंटरव्यू दिया था और मैं सेलेक्ट हो गया था। क्लाइंट द्वारा 3 क्वेश्चन किया गया और मैं सेलेक्ट हो गया। डर था कि मतलब मैं इंटरव्यू में पास हो पाऊँगा नहीं होऊँगा, लेकिन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों, उसके बाद भी डर था कि ऑफिसर कैसा है, अच्छी है कि नहीं है, पैसा लेके भाग जाएगी। फिर भी भरोसा करना पड़ता है दोस्तों। मैंने मुंबई में इंटरव्यू दिया था, बोरीवली में, क्या बोलते हैं अपना, बोरीवली वेस्ट में सन फ्रांसिस इंस्टीट्यूट करके एक जहाँ पे आईटी डिप्लोमा का कोर्स कराया जाता है, वहीं पे हमने एक अपना इंटरव्यू दिया था। वहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रीशियन का, एसी टेक्नीशियन, डक्टमैन, प्लम्बर, 3-4 और ट्रेड का इंटरव्यू चला था, जिसमें हमारा इलेक्ट्रीशियन का काम में सेलेक्ट हो गया था। तो दोस्तों, उसमें फिर सिलेक्शन हुआ। उसी दिन हमारा जॉब ऑफर पे साइन, ऑफर लेटर पे साइन हुआ। काफ़ी जल्दबाजी में हर एक चीज़ हुआ कि हम लोग भी समझ नहीं पाए कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है। फिर भी उसके बाद साइन होने के बाद गए हम लोग दूसरे दिन 17 तारीख को मेडिकल कराए। और दोस्तों, ऑफिस का नाम SS2 ट्रेवल्स करके माहिम वेस्ट में है, जो माहिम पुलिस चौकी के बगल में ही है। आपको जैतून अपार्टमेंट करके एक बिल्डिंग, उसके नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे काफ़ी छोटी ऑफिस भी थी। हम लोग जब ऑफिस में विजिट किए तो हम लोग को डर लग रहा था कि इतनी छोटी ऑफिस है, कहीं पैसा लेके भाग ना जाए, ये है वो है। पर एजेंट द्वारा जो है कि अपने को एजेंट ने काफ़ी हमारी हेल्प की, हमको बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, आपको जो भी होगा वीज़ा टिकट आने के बाद ही सब पैसे देने होंगे। तो हम लोग भी मेडिकल कराने के बाद एजेंट ने बोला 1 महीने में आपका वीज़ा आ जाएगा। तो हम लोग 1 महीने इंतज़ार किए, फिर हम लोग को नया डेट मिला कि 15 दिन, और फिर दोबारा कॉल किए 15 दिन बाद, तो बोला कि आ जाएगा। फिर काफ़ी 2 महीने के आसपास हम लोग का जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आ गया। दोस्तों, मैं आप लोग को वीज़ा दिखाता, वीज़ा का कॉपी दिखाता हूँ। हम लोग को तो काफ़ी डर हो गया था। वीज़ा आने के बाद भी हम लोग काफ़ी चेक किए, हर लोगों से पूछे कि हम लोग का वीज़ा आ गया। देखो दोस्तों, ये मेरा वीज़ा है, देख सकते हैं, ये फेक वीज़ा नहीं है। जो भी है, हमने इंटरनेट वगैरह पे अपना दुबई का जो मोहरे ऐप्स करके है, मैंने उस पर सर्च किया तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, सैलरी वगैरह है, सब दिखाया था। और ये देखिए ऑफर लेटर है, ऑफर लेटर है, जो भी है अपना कंपनी का नाम लिखा है अल मोनाद। इसका इंटरव्यू काफ़ी जगह चला था, बिहार, कोलकाता, चेन्नई। एजेंट ने हम लोग को, जब हम लोग पैसा भरने गए थे, टिकट और वीज़ा लेने गए थे, अपना टिकट और वीज़ा पासपोर्ट लेने, तो एजेंट ने बताया कि 8 जगह से इंटरव्यू चला था। बहुत ही परेशानी से कंपनी को अभी ज़रूरत पड़ी। 2 साल बाद हम लोग फिर उसके बाद पैसा वैसा भरे। पैसा भरने के बाद भी उदुक थी कि टिकट फेक होगा कि क्या होगा। उसके बाद पर टिकट के मिला, जो देखिए आप टिकट का देख सकते हैं कितने डेट को है, यहाँ पे दिखा रहा होगा, सॉरी यहाँ दिखा रहा है, 4 तारीख को है, जो 3 दिन बाद हमारी फ्लाइट है दुबई की। तो अब हम लोग इसमें 13 बंदों का ग्रुप टिकट है, 13 लोगों का ग्रुप टिकट है। हम लोग काफ़ी सर्च किए यहाँ वहाँ, जो भी है, परेशानी तो हुई, थोड़ा डर भी था और डर भी लग रहा था कि कहीं पैसा डूब ना जाए, ये वगैरह वगैरह जो भी है। कंपनी लोगों को दुबई में पूछते थे कि कंपनी अच्छी है कि नहीं है। अब तो दोस्तों, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि दुबई में जो ये कंपनी अल मोनाद कैसी है। अब तो वहाँ का हम आपको जाने के बाद वहाँ पे हर एक इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, दुबई में कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप हमारे जो भी भाई इस अल मोनाद कंपनी में सेलेक्ट हुए होंगे, वो हमारे इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमको भी लगे कि कोई सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। जो भाई भी वीडियो को देख रहा होगा,
तो एक बार इंफॉर्मेशन इसमें अपना मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम भी लगे कि देखें कोई और बंदा है कि नहीं हमारे कंपनी में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, गुड, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। चलो मिलते हैं अब 4 तारीख को, फ्लाइट के बाद हमारा वीडियो बनेगा।